हाय गाइस, सो टुडे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो एक वीडियो है जो मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो को डिस्कस करना चाहती थी। मैंने इतने सारे मीशो वॉल्स किए हैं एंड आई वांट टू शेयर ऑल माय फेवरेट प्रोडक्ट्स इन ऑल दोज वॉल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। Okay, so let's start from the first haul that I ever did, which was like summer top haul, and usme se mera favorite top tha ek hard cut out blue color ka top, which I think you can get anywhere, not just on Meesho, but it was very good. Maine like wo I think 157 or something rupees ka tha and I made the most out of it. I wore it quite literally every day. It fit like a glove. Mujhe bahut hi zyada acha laga tha wo top. And uske alawa ek बॉक्सी शर्ट टाइप का टॉप भी था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट वो पॉलिएस्टर का था एंड आई डू नॉट प्रेफर पॉलिएस्टर बिकॉज आई स्वेट अ लॉट। तो मैं वो उसका फिट एंड पैटर्न बहुत अच्छा था, बट इट डिडंट लाइक इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड वेयर लाइक एवरी डे। सो माई फेवरेट टॉप वॉज डेफिनेटली द हार्ड कटआउट ब्लू कलर टॉप, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो दैट आई डिड, दैट वाज द ऑफिस शर्ट हॉल दैट आई डिड। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कनेक्टेड थ्रू दैट वीडियो ओनली विद मी एंड इट वाज लाइक अ वेरी गुड वीडियो। ऑल दो शर्ट्स वर रियली गुड, बट उन सारे शर्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये कि सब पॉलिएस्टर थे, बट उनमें से मेरे को दो शर्ट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो थी एक पोकेमॉन शर्ट और एक था ब्लू कलर का शर्ट विद अमेजिंग पैटर्न। दी ओनली रीजन आई लाइक दैट ब्लू कलर का शर्ट वॉज बिकॉज ऑफ द प्रिंट, विच वॉज वेरी फन एंड यू नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई कैन फाइंड एनीवेयर। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था उसकी वजह से वो शर्ट। मैंने एज अ लेयर पहना था, मैंने उसकी एक स्टाइलिंग वीडियो भी बनाई थी ऑन माई शॉर्ट्स एंड इट वॉज लाइक अ वेरी गुड शर्ट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लाइक आप बीच वगैरह में यू नो वाइट टॉप विद वाइट शॉर्ट्स के ऊपर पहन सकते हो विद सम ब्राउन चप्पल समथिंग लाइक दैट। तो मुझे उस लेवल पे वो बहुत ही क्यूट लगा था, नॉट जस्ट ऑन ऑफिस शर्ट के लेवल पे, क्योंकि वो ऑफिस शर्ट के अलावा भी आप उसे कैजुअल की तरह भी पहन सकते हो, तो आई रियली लाइक्ड इट। नेक्स्ट वॉज द पोकेमॉन शर्ट विच वॉज वेरी क्यूट, लाइक वेरी क्यूट, एंड द ओनली रीजन आई लाइक दैट शर्ट वॉज बिकॉज पोकेमॉन, लाइक दैट वॉज द ओनली रीजन वाई आई लाइक दैट शर्ट अ लॉट। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा था, ठीक है। तो एक वो था। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो दैट आई डिड विच वॉज मीशो कुर्ती हॉल। नाउ पता है, मैं आपको सच बताऊँ दूँ, जिस जो मेरा क्या बोलते हैं टेक अवे है फ्रॉम ऑल द मीशो हॉल्स इज दैट आप शर्ट स्टॉक मत खरीदो, आप कुर्तीज़ खरीदो, क्योंकि सारी कुर्ती मीशो में मैंने जिसका हॉल किया सभी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। द वन दैट आई रियली लाइक वॉज द येलो वन एंड द रीज़न आई रियली लाइक इट बिकॉज मेरे पास येलो कलर का कोई भी कुर्ती नहीं था एंड इट वॉज लाइक वेल सूटेड फॉर दैट एंड मतलब वेल सूटेड एज इन लाइक वेल सूटेड फॉर दैट कलर एंड एवरीथिंग। बट मुझे इसमें और जितने भी मैंने हॉल में वीडियोज में ऐड किया है सारे ही, मतलब मैं बता नहीं सकती, सबकी क्वालिटी अच्छी थी, सभी की क्वालिटी अच्छी थी, एक की भी ऐसा नहीं था कि क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो मैं बिल्कुल एक बड़ा थम्स अप दूंगी। मेरे को इवन लैवेंडर वाला जो कुर्ती था बहुत ही प्यारा लगा था। द ओनली रीज़न आई डिडंट लाइक इट इज़ बिकॉज वो बिल्कुल ऐसे गले में एकदम चिपक रहा था एंड आई डू नॉट प्रिफर क्लोथ जो एकदम हाई नेक हो या एकदम चिपके हों। बट ऑल ऑफ देम वर रियली गुड क्वालिटी, सब कॉटन रेयन थे, कोई भी पॉलिएस्टर नहीं था, लव इट। वियर्डली इनफ आई फॉरगॉट टू ऐड वन ऑफ माय फेवरेट हॉल विच वॉज ऑन ज्वेलरी एंड एसेसरीज एंड दिस वॉज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट हॉल्स ऑन ऑल दी मीशो हॉल्स, क्योंकि इसमें मेरे सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे थे, बट दिस वॉज माई फेवरेट प्रोडक्ट सेट ऑफ सिक्स ज्वेलरी एंड इसमें तीन नेकलेस और तीन इयर रिंग थे। आई लव्ड इट लव्ड इट लव्ड इट। I also forgot to add my footwear haul, और इस haul में मेरे दो favorite products थे, एक ये footwear और एक boots। तो ये footwear तो ऐसा है कि भाई मतलब इसको पहनो और चल दो इस type का, and मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। It's very effortless और मैं इस पर किसी को भी पहन सकती हूँ और कहीं पर भी जाने के लिए इट्स वेरी ईजी पीजी, और मैं इसको इतना रफ एंड टफ यूज़ करती हूँ ना कि अभी तक टूटा नहीं है। तो या डेफिनेटली यू कैन गो हैड अगर आपको एक नॉर्मल footwear चाहिए तो। देन देयर इज़ दीज बूट्स, और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको बताऊँ तो
भाई मतलब 400-450 का था ये, और इतनी अच्छी क्वालिटी का आपको बूट्स कहीं नहीं मिलेंगे इन 450, तो मैं तो बोलूँगी खरीदो। मैंने, मेरे को इसलिए इसमें प्रॉब्लम आया था, मैंने इस सेम वीडियो में भी कहा था कि मेरे लिए छोटा था थोड़ा सा, तो अगर आप मेरे मतलब आप, मैं बोलूँगी कि एक साइज़ बड़ा लेके चलो, बट ये बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था इन 450 रुपीज़। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, आई लव्ड इट। लाइक आप विंटर वगैरह में तो यार परफेक्ट है आपके लिए, और आपको ज़रूर खरीदना चाहिए अगर आप बूट्स वगैरह देखना चाहते हो एट अफोर्डेबल प्राइस। Now let's move on to the next video that I did, which was very recent, I think, bottom wear haul. और उसमें मैंने skirts, pants और सब कुछ add किया था, but इस bottom wear haul में मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा था. First was the skirt. I really like that skirt. But it was definitely not exactly as shown on the picture. But बहुत ही cute skirt था, वो बहुत ही cute skirt था. If you are planning to buy a plaid skirt, then you should definitely go for it. It's a huge big thumbs up from my end. Apart from that, मुझे black pant और lavender pant दोनों ही अच्छे लगे थे. Black pant मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था ना मैं एक ब्लैक पैंट पहनू, जो आपको मैंने अभी भी पहना हुआ है, कि ना उसका लिंक दो. एंड मैंने उस वीडियो में भी ऐड किया था ये कि अगर आपको ब्लैक पैंट लेना है, और जो मैं पहनती हूँ वो नहीं रहता स्टॉक में यूजुअली, तो आप ये वाला ब्लैक पैंट भी ले सकते हो. इट वॉज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग स्ट्रेचेबिलिटी. सो डेफिनेटली डू चेक दैट आउट, दैट वीडियो एंड दैट प्रोडक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो दैट आई डिड, व्हिच वाज वेरी रीसेंट, 5 days अगो आई मेड दैट वीडियो. तो वो था एक ड्रेसेस हॉल. नाउ दैट वॉज लाइक एन अमेजिंग वीडियो. आई डिड लाइक आई थिंक आई हैड 7 ड्रेसेस इन दैट वीडियो. बट उसमें से जो मेरा फेवरेट था, मुझे लगता है आप सबको ऐसा लगा होगा कि मैं व्हाइट चिकनकारी ड्रेस बोलूँगी, बट नो, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था लाइट ब्लू कलर का ड्रेस, विच वॉज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग प्रोडक्ट. फैब्रिक क्वालिटी अमेजिंग क्वालिटी, मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ. मतलब मुझे किसी भी प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी जितनी मुझे उसकी लगी थी. उसके अलावा मतलब 2-3 और भी प्रोडक्ट्स थे जो मुझे उस वीडियो में अच्छे लगे थे, जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाली. मैं अपना फेवरेट बताना चाहती थी, तो मेरा फेवरेट वो शॉर्ट ड्रेस जो लाइट ब्लू कलर का था वो था. ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. आपको भी पता चला होगा कि कौन से मेरे फेवरेट प्रोडक्ट थे और क्यों थे. एंड अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर आपको कोई वीडियो पूरे फुल में देखनी है, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जरूर देख सकते हैं वहाँ जाके. एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दें. अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक ही सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.